फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग के बारे में। जैसे कि हम पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। कैमरा सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम पोर्ट्रेट में एक फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने पोर्ट्रेट में फ़ोटो क्लिक करी है और यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल फ़ोटो में फ़ोटो क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी नॉर्मल फ़ोटो है और ये हमारी पोर्ट्रेट फ़ोटो है। आप देख सकते हैं, नॉर्मल फ़ोटो से पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लियर आ रही है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है माइक्रोफोन, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ की आपको फ़ोटो क्लिक करनी है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल से स्मॉल टाइप के आपको फ़ोटो क्लिक करने होते हैं और वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पैरानॉर्मल, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे राइट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम फ़ोटो क्लिक करेंगे, जो बहुत ही लॉन्ग फ़ोटो आपको क्लिक करनी है। इस तरीके से ये देखिए, ये आप हमारी लॉन्ग फ़ोटो को चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितनी लॉन्ग फ़ोटो है, तो इसी को बोलते हैं टाइम पैरानॉर्मल। तो मेरे फ्रेंड, वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।